आप सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की अनंत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बड़ा है, इससे बड़ा दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो, हमें आज़ादी मिली थी कब, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन वह हमारी थी भौतिक स्वतंत्रता। और मेरा मानना क्या बेटा, ये सार्वभौमिक सत्य है कि भौतिक स्वतंत्रता से आवश्यक होती है, महत्वपूर्ण और बड़ी होती है इंसान की, व्यक्ति की, राष्ट्र की मानसिक स्वतंत्रता। और मानसिक स्वतंत्रता हमें कब मिलेगी, जब हमारा खुद का विधान होगा और खुद की हमारी न्याय प्रणाली होगी, जो कि हमें मिली थी 26 जनवरी 1950 को। हालांकि संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यह पूर्णतः लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए इस दिन गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अच्छा, इस संविधान बनकर तैयार हो तो ऐसा नहीं कि मतलब गणतंत्र स्वतः स्फूर्त शब्द था कि मन में आ गया और इसका नाम रख लिया। दरअसल गणतंत्र शब्द का उपयोग जो है ऋग्वेद में 40 बार और अथर्ववेद में 9 बार किया गया है, और वहां भी इसका उपयोग जो है वो आधुनिक अर्थों में ही किया गया है। तो यह शब्द वहां से लिया गया है, और यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन हमें हमारी न्याय प्रणाली और हमें हमारा विधान मिला था। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद।